OICE वाइस मतलब क्या होता है वॉच, वाइस मतलब वॉच, एक्टिव एंड पैसिव वाइस, ठीक, एक्टिव एंड पैसिव वाइस। एक्टिव मतलब देखिएगा पर समझिएगा, एक्टिव मतलब पर समझिएगा जो खुद में एक्टिव हो, पर समझिए रुकिए लिखिएगा नहीं, पहले दोनों को मीनिंग समझ लीजिए। एक्टिव पैसिव का तो नहीं यार, बड़े एक्टिव हो सुबह सुबह उठ गए यार, एक्टिव मतलब जो अपने नियम नियम से रहे, अपने समय उठ जाए, अपना समय से काम करें ना, कहते हैं एक्टिव, बहुत एक्टिव हो, उसी का नाम है एक्टिव। एक्टिव को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद एक्टिव रहेगा, इसको ना ही किसी का सहारा पड़ेगी ना ही जरूरत पड़ेगी। ये आपका पेपर में आएगा, ये आपका पेपर में ऐसे ही आएगा, एक्टिव बना बना आएगा, उसको छिड़कानी नहीं करनी, ये उठा दी यार, ये उठा दी, कुछ नहीं। पैसों में लूजा लंगड़ा होता है, क्या होता है लूजा लंगड़ा, इसको पार करना पड़ता है, इसको सहारा पड़ती है। अब सहारा किसकी पड़ेगी वो आपको मालूम होगा, बारह टेंस आता रहेगा तो, बारह टेंस का ज्ञान जिसको रहेगा वही एक्टिव से पैसों बनाना सीख पाएगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। एक्टिव वाइज बारह टेंस की होती है और पैसिव वाइज सिर्फ आठ टेंस की होती है, किसकी, आठ टेंस की, बाकी चार की नहीं बनती, नो चेंज रहता है। एक्टिव जो खुद में एक्टिव हो, जिसको जरूरत ना पड़े, पैसिव जिसको मदद पड़े, पैसिव, एक्टिव पैसिव वाइज खत्म। अब केवल आपको टेंस के ऊपर फोकस करना है, टेंस क्या है। चलिए चार्ट नंबर एक देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, एक्टिव और पैसिव यहाँ तक बनाइए, चार्ट नंबर एक बनाते हैं, जल्दी बनाइए चार्ट नंबर, एक्टिव पैसिव ए सी टी आई वी, एक्टिव एंड पैसिव पी ए डबल एस आई वी, पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, एकदम याद हो जाएगा, एकदम भूले को नहीं, एक्टिव पैसिव दिमाग में एकदम फिट गया, फिट हो गया है, समझ लीजिए। रेस कर दें, चलिए चार्ट नंबर एक, सी एच ए आर टी, सी एच ए आर टी, चार्ट नंबर एक। चलिए भाई चार्ट नंबर एक में हम बारह टेंस की बात करते हैं, किसकी, बारह टेंस की। पहला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे क्रिया डू या डज, उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर, उसके बाद बताइए प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव ना, हैज हैव, उसके बाद हैज हैव हैज बीन हैव बीन, ठीक, बस हो गया। इसमें क्या आता है, डिड, इसमें वाज या वर, वाज या, इसमें हैड, हैड आता है ना, उसके बाद क्या आता है, हैड बीन, हैड बीन। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होती है, विल सेल, विल विल सेल, इसे विल बी सेल बी, तीसरा विल हैव सेल हैव, नेक्स्ट विल सेल, एक के लिख रहे हैं हैव बीन, विल हैव बीन सेल हैव बीन, क्लियर हो गया ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको क्या हो गया, बारह टेंस का हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, तुरंत नोट कीजिए इसको, चार्ट नंबर टू बनाए, अब तुरंत नोट कर लीजिए फटाक से।
रोक दो उसी पर, रोक उसी पर, रोक दो फिर शुरू हो जाएगा। नंबर टू सी एच ए आर टी चार्ट नंबर टू, ये आपका ऐसे बन गया, ये आपका ऐसे बना लीजिए। इधर आप लिखिए एक्टिव ए सी टी आई वी ई एक्टिव, इधर लिखिएगा पैश्यु पी ए डबल एस आई वी ई पैश्यु एक्टिव एंड पैश्यु पी ए डबल एस आई वी ई पैश्यु। अगर आपको एक्टिव इसमें डू या डज दिख जाए, डू या डज डी ओ ई एस, इसको किसमें चेंज करेंगे, इज एम आर में, किसमें इज एम आर, इज एम आर, इसका प्रयोग एकवचन, आर का प्रयोग बहुवचन, एम का प्रयोग आई सब, ठीक इज एम आर नोट करते जाइए। अगर आपको इज एम आर दिख जाए, इज एम आर, इसको इज एम आर और बीइंग में चेंज करते हैं, किसमें इज एम आर बीइंग बी ई आई एन जी इज एम आर बीइंग। अगर आपको हैज और हैव दिख जाए, हैज और हैव, हैज हैज और हैव दिख जाए, तो इसको ये ऑब्लिक है भाई, ऑब्लिक मतलब अलग अलग है, इज एम आर ना, इज एम आर, इज एम आर, ठीक ना। हैज और हैव दिख जाए तो इसको चेंज करेंगे, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। अगर आपको हैज हैव बीन दिखे, हैज हैव बीन आपको दिखे, तो आप लिखेंगे नो चेंज, क्या लिखेंगे नो चेंज, सी एच ए एन जी ई नो चेंज। पैसिव वॉइस में हैज हैज बीन हैव बीन। अब देखिए अगर इसमें आपको डिड दिख जाए, डिड पास्ट में ना, डिड इसको किसमें करेंगे, वाज या वर में, वाज या वर में, वाज या वर में, वाज या वर में। अगर आपको जो है वाज या वर दिख जाए, वाज या वर, इसको वाज या वर, यहाँ पर डब्ल्यू आर वर बीन बी ई आई एन जी वाज या वर बीन। अगर आपको हेड दिख जाए, हेड, तो यहाँ पर हेड बीन, हेड बीन, ये चार हो गया है, ऊपर का दो हो गया है, जल्दी कीजिएगा। अगर एक्टिव वॉइस में दो डज दिखेगा तो इज एम आर में जाएगा, अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर दिखे तो इज एम आर और साथ में बीइंग लग जाएगा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में इधर देखिए सामने हैज और हैव दिखे तो हैज बीन और हैव बीन में जाएगा, अगर आपको हैज हैव बीन दिखे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं। अगर आपको डिड दिखे तो वाज या वर में जाएगा, वाज या वर दिखेगा तो आपको जाएगा वाज या वर बीइंग में जाएगा, हेड दिखेगा तो हेड बीन में। जल्दी कीजिए तुरंत। बोल तो रहे हैं, बोल तो लिखिए आप, चलिए लिखते जाइए, लिखते जाइए फटाफट। रेस कर दें, रेस करें इसको, अरे यार दोनों दो दो मिठाई कम से कम क्लियर हो जाए, जल्दी कीजिए अपने। अगर आपको हेड बीन दिखे, हेड बीन, इसके बाद क्या आता है, हेड बीन, हेड बीन, नो चेंज, नो चेंज, सी एच ए एन जी, नो चेंज।
हेड बीन देखेगा तो नो चाइल्ड, जल्दी कीजिए, हेड बीन देखेगा तो नो चाइल्ड, चेंज करना पड़ेगा, हेड बीन देखेगा तो नो चाइल्ड, हेड बीन देखेगा तो नो चाइल्ड। चलिए अब यहाँ से प्रेजेंट का हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होता है अगर आपको देखिए, विल सेल देखिए, विल सेल एस एच ए डबल विल सेल देखिए, तो विल भी और सेल भी, विल भी और सेल भी, अगर आपको विल भी और सेल भी दिखे, विल भी या सेल भी दिखे, इसको जाएगा विल भी सेल भी, विल भी सेल भी दिखे तो नो चेंज, नो चेंज, सी एच ए एन जी ई, नो चेंज, विल भी सेल भी की कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। एक नो चेंज, अगर आपको विल या सेल है, विल या सेल है दिखेगा तो आप जाएगा विल है, विल सेल है, विल, विल या सेल है बीन, विल या सेल हैव बीन, अगर आपको विल विल हैव बीन सेल हैव बीन दिखे, विल सेल हैव बीन, विल सेल हैव बीन दिखेगा तो नो चेंज, नो चेंज, सी एच ए एन जी ई, नो चेंज, नो चेंज। अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिख जाएगा क्या विल सेल, तो जाएगा विल भी सेल भी, अगर आपको एक्टिव वॉइस में विल भी और सेल भी दिखेगा तो नो चेंज, ठीक। अगर आपको विल सेल हैव दिखेगा या विल हैव सेल हैव दिख जाएगा तो विल हैव सेल हैव बीन हो जाएगा, ठीक, विल सेल हैव बीन दिखेगा तो नो चेंज, सेम टू सेम। ऐसे चार्ट नंबर टू, एक चार्ट और है, तीनों चार्ट जो याद कर लिया, दिमाग में बैठ गया, जिसके एक्टिव वॉइस वॉइस उड़ा देगा, वो गले मोहल्ले मोहल्ला करते हुए जाएगा, एक्टिव वॉइस आ गया, पैसिव वॉइस आ गया, एक्टिव वॉइस किसी को जरूरत नहीं पड़ती, एकदम रुझा लंगड़ा है, एकदम नहीं, एकदम शानदार, पैसिव वॉइस जो है बेचारा लंगड़ा है, उसको सहारा पड़ेगी जब भी जाएगा, नहीं है ना, कौन सा परफेक्ट, नो चेंज हम लिखे होंगे जहां जहां होगा, तीन चार चार चेंज का नहीं बनता बताया गया है, अरे एक बनेगा आपका हेड विन का नहीं बनेगा, ये एक प्रेजेंट में होगा जो फ्यूचर में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, हैज बीन हैव बीन वाला नहीं बनेगा ना, विल हैव बीन शैल हैव बीन, चलिए सर हैज बीन हैज हैव के बाद नो चेंज, हां हैज हैव नो, अगर आपको हैज बीन हैव बीन दिख जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में नो चेंज ना लिखा है, चलिए चार्ट नंबर थ्री बना लीजिए, फॉर्मेट नंबर थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थ्री कर दीजिए, थ्री, अगर आपको एक्टिव वॉइस में क्या दिख जाए, अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिख जाए ही, ही तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई हिम, बाई हिम, अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिख जाए सी तो बाई हर, बाई हर, एच ई आर, अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिख जाए नेम, एन ए एम ई, तो बाई नेम, बाय करके नेम, एन ए एम ई, बाय नेम, अगर आपको एक्टिव वॉइस में इट दिख जाए, क्या दिख जाए इट, तो बाय इट, बाय इट, अगर आपको यू दिख जाए एक्टिव वॉइस में, बाय यू, बाय यू, अगर आपको वी दिख जाए एक्टिव वॉइस में तो क्या आ जाएगा, वी का अस, बाय अस,
अगर आपको दे दिख जाए टी एच ई वाई देखा बाई देम वेरी गुड बाई देम टी एच ई एम अगर आपको आई दिख जाए बाई मी आई का मी आई का बाई मी अगर सी दिख जाए सी का बाई मैं समझिए एक बार सी का दिख जाए सी का बाई हिम में जाएगा ही का बाई हिम सी का बाई हर नेम का बाई नेम इट का बाई इट यू का बाई यू मी का बाई अस दे का बाई देम आई का बाई मी बाई लगेगा बराबर ठीक ना बाई मी बाई अस बाई आवर सब लगेगा अब देख लीजिए सुनिए मेरी बात पैसिव वॉइस में सर इफ का बाई इट में हाँ इट का बाई इट है इट का बाई इट ही होगा ठीक उसके नीचे क्या है यू का बाई यू बी का बाई एस दे का बाई देम आई का बाई मी अच्छा सुनिए एक्टिव वाइज चाहे जिसमें हो पैसिव वाइज बनाते समय हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे क्या लिखेंगे थर्ड फॉर्म पैसिव वाइज बनाते समय हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म सब में एक्टिव वाइज चाहे जिसमें हो आई एन जी में हो चाहे जिसमें हो आप पैसिव वाइज बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे ठीक अब देखिए अब एक्टिव पैसिव बनाना आपके ऊपर है अगर आप टेंस बनाना सीखे हो तो एक्टिव पैसिव तुरंत आसानी से बना लोगे तुरंत अगर घर जाओगे अगर नहीं बनाना सीखे हो तो मामला यही जाएगा फर्स्ट तो आप टेंस फिर से पढ़ेगी फिर से बिना टेंस के एक्टिव पैसिव डायरेक्ट कुछ भी नहीं आएगा देखिए एक्टिव वाइज में आपको चार चीज फोकस करनी है क्या करनी है चार चीज की पहला मिलेगा आपको क्या सब्जेक्ट दूसरा मिलेगा क्या आपको हेल्पिंग वर्ब तीसरा मिलेगा आपको वर्ब चौथा मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट ओबीजे इस ऑब्जेक्ट को आप नंबर एक पर लाइएगा पहले नंबर एक पे ऑब्जेक्ट आएगा और नंबर दो पे ही रहेगा नंबर तीन पे आपका यही रहेगा और नंबर चार पे ही चला जाएगा सब्जेक्ट हमने क्या कहा आपको एक्टिव वॉइस में चार चीज मिलेंगी आपने कहा क्या सर जी सब्जेक्ट मिलेगा हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वर्ब मिलेगा ऑब्जेक्ट मिलेगा ठीक अब इसको ऑब्जेक्ट को आपको पहले लिखना है पैसिव वॉइस में फिर हेल्पिंग वर्ब को ऐसे रहना है वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्री मतलब थर्ड फॉर्म थ्री मतलब थर्ड फॉर्म तो प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट अगर ही है तो बाई हिम में जाएगा आई है तो बाई मी में जाएगा अभी लिखा है ना चार्ट नंबर थ्री आप देखिएगा एकदम इजी तरीके से आपको थर्ड फॉर्म लिखना है जैसे मैंने एक टेंस का वाक्य बोल दिया वह कार चला रहा है हिंदी लिखिए वह कार चला रहा है वह कार चला रहा है वह कार चला रहा है देखिए वह कार चला रहा है अगर आपको टेंस आता होगा तो आप ये वाक्य आसानी से पहचान सकते हो किस टेंस का है इधर देखिए भाई पर सामने देख लीजिए ये किस टेंस का वाक्य है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो पहले इसको बना लेते हैं वह कार चला रहा है तो आपके एग्जाम में हिंदी नहीं आएगी मैंने हिंदी समझा दिया आपके एग्जाम को लिखे रहेगा ही ठीक सर क्या लगेगा ही इज चलाना होता है ड्राइविंग डी आर आई वी आई एन जी ड्राइविंग द कार ऐसे आपके एग्जाम में दे देगा अंग्रेजी में क्या हो गया ये एक्टिव है क्या है किसी जरूरत पड़ी क्या जो तीनों चार्ट बताए नहीं जरूरत पड़ी किसी की जरूरत नहीं पड़ी जो तीनों चार्ट हमने बनाया किसी की जरूरत पड़ी एक्टिव वॉइस में नहीं पड़ी
लेकिन हाँ ये तो एक्टिव हो गया। अब इसका क्या बनाना है हमको, पैसिव बनाना है। क्या बनाना है बस समझिए, पेन रुकिए पहले। ये आपका एक्टिव वॉइस है, हमने टेंस का एक एग्जांपल बोल दिया। वह कार चला रहा है, वह नहा रही थी, वह कपड़े धो रही थी, वह स्कूल जा रही थी, कोई भी बोल दो, वह नहीं जाता है, वह ताजमहल देख चुका है। देखिए क्या, वह कार चला रहा है। अब पहले हमने क्या कहा, जो नंबर चार पे है वो सब्जेक्ट नंबर चार पे है। ये पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ही है, एक दो तीन चार दिखाना है ऑब्जेक्ट। द कार, द कार को आप पहले लिख लीजिए, हो गया द कार। अब देखिए इज एम आर किस में जाएगा, चेंज हो गया। एक्टिव वॉइस में लिखाया गया इज एम आर, पैसिव वॉइस में किस में जाएगा। चार्ट नंबर टू देखिए, चार्ट नंबर टू इज एम आर बीइंग में जाएगा ना। अगर इज दिखा, एम दिखा, आर दिखा, तो उसको इज बीइंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज बीइंग। एम नहीं लिखेंगे, इज बीइंग, बी ई आई एन जी, हो गया। इज एम आर दिखा लिखा है ना, पैसिव वॉइस में एक्टिव लिखे हो इज एम आर, पैसिव लिखे हो इज एम आर बीइंग लिखे हो ना। तो इज ले लिए वहां से, इज दिखा इज ले लिए और बीइंग जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, बीइंग। अब देखिए ड्राइव का थर्ड फॉर्म, ड्राइव का या तीन नंबर क्या है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइवेन क्या होता है, ड्राइवेन, डी आर आई बी एन, डी डी आर आई बी ई एन। हमने कहा ये चाहे फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे जिसमें हो, आप पैसिव वॉइस में समय हमेशा यहाँ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ड्राइवर हो गया। अब बाई लगाइए, बाई ही का किसमें है, हिम में, बाई ही, खत्म। एक्टिव वॉइस आ गया, नहीं समझ में आया, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। द कार को पहले लिखिए, द कार हो गया, इज था इज लगा दिए, इज एम आर को इज एम आर बीइंग में, बीइंग आ गया, अपने आप जुड़ गया, लिखाया है। ड्राइव का, ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म ड्राइवेन हो गया। अब बाई, क्योंकि हमने लिखा है चार्ट नंबर थ्री में, अगर ही है तो बाई हिम में जाएगा, सी है तो बाई हर में जाएगा, यू है तो बाई यू यू में जाएगा, नेम है तो बाई नेम में जाएगा, तो बाई हिम, बाई हिम। चलिए इधर चलिए, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अब देखिए इधर देखिए मुस्कान, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अगर आप टेंस पढ़े हो तो बता दो कि कौन सा टेंस है ये भाई, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, तो आई के साथ हैव लगेगा, तो यहाँ लगा दीजिए, मैं किस पर आई हो गई, आई हैव। देखना होता है सी हैव नहीं भाई, हैज और हैव होता है, हैज और हैव बीन कंटिन्यूअस का हो जाएगा आपका। बार बार करंट टेंस देखिए आप, कंफ्यूजन दूर कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैज और हैव, हाँ तो बीन क्यों लगा रही हूँ आप, अभी बीन मत लगाइए ना। यहाँ क्या हो गया, आई हैव हो गया, देखना क्या होता है सी, अब सीन का, सी का थर्ड फॉर्म सीन, सीन हो गया, आई हैव सीन, यहाँ तक समझ में आ गया। ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, ये आपका क्या हो गया, टेंस हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस बन गया। क्या हो गया, ये एक्टिव बन गया। एक्टिव को किसी जरूरत पड़ी क्या, इधर देखिए एक्टिव को किसी जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अब हम क्या बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। अब पैसिव बनाते समय जो नंबर यहाँ लास्ट में दिखे उसको पहले कर लो, क्या दिखा देखिए, ताज महल हो गया। अब देखिए ताजमहल यहाँ तो अब हैज और हैव किसमें जाएगा, हैज और हैव किसमें जाएगा, हैज बीन हैव बीन जाएगा, हैज बीन और हैव बीन में जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ आप हैव नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है और नाम के साथ एक वचन है, तो क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, यहाँ क्या लगा दोगे, हैज बीन। अब कहोगे सर जी बीन कहाँ से आ गया, बीन भैया इसलिए आया, अगर आपका हैव और हैज दिखेगा तो हैज बीन में जाएगा, आई हैव द ताजमहल हैज बीन हो गया, द ताजमहल हैज बीन सीन।
एच डबल ई एन सीन हो गया, सीन सीन हो गया, सीन बाई मी, सीन बाई मी। अब सीन कहां से आ गया, सीन जो थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म ही लिख दिया गया, अब बाई लगा दिया, आई का जो है मी में जाएगा, अभी लिखा गया लास्ट में आई का मी कर दिए, कंप्लीट हो गया कंप्लीट। मैं ताजमहल देख चुका हूँ, ताजमहल चलिए लिखिए, हम तो कैसे दे देंगे, आप बनाइए केवल। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, रो बिजली।